अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हमने जो लेक्चर लिया था उसमें ज़रा साउंड का प्रॉब्लम था, तो मैं आज आपको उस लेक्चर का फिर से एक ओवरव्यू दे रही हूँ। ठीक है, कल हमने पढ़ा था डिफरेंट नेशनल पार्क्स इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर 15 to 16 नेशनल पार्क्स हैं और वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उनके अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो इम्पोर्टेंट है और वो कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझने वाली नहीं है, मेमोराइज़ करने वाली हैं। तो आपने इन जो 15 to 16 हैं इनके नाम भी याद कर लेने हैं और किस वजह से फ़ेमस हैं, वाइल्ड लाइफ की वजह से फ़ेमस हैं, फ़्लावर्स की वजह से फ़ेमस हैं, लैंडस्केप की वजह से फ़ेमस हैं, या उनके अंदर जो हैं वो कुछ गेम स्पीशीज़ मौजूद हैं उनकी वजह से फ़ेमस हैं, या वो अपने रिजॉर्ट्स की वजह से फ़ेमस हैं। ये चीज़ें आपने बस मेमोराइज़ कर लेनी है, उनके नाम आपने मेमोराइज़ कर लेने, और वो कहाँ प्रेजेंट हैं, नरान में हैं, कगान में हैं, ईस्ट वेस्टर्न वैलीज़ में हैं, हुंजा में हैं, या जहाँ भी पाकिस्तान में प्रेजेंट है वहाँ पे आपने उनकी लोकेशन याद कर लेनी है, जिस वजह से वो फेमस हैं वो याद कर लेनी है और आपको उनके नाम आने चाहिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है सेंट्रल कराकरम नेशनल पार्क। ठीक है, और ये फेमस है ग्लेशियर्स की वजह से, माउंटेन्स की वजह से, और बायोडाइवर्सिटी रिसोर्स और नेचुरल ब्यूटी की वजह से। और ये जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर यहाँ मौजूद हैं। आपको पता है K2 जो है, जो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। अयूबिया नेशनल पार्क है। अयूबिया नेशनल पार्क जो है वो एबटाबाद में प्रेजेंट है और अपने फ्लावर्स और बर्ड्स और डिफरेंट ब्यूटीफुल ट्रैक्स की वजह से फेमस है या मशहूर है या जाना जाता है। मार्गला हिल नेशनल पार्क ये इस्लामाबाद में मौजूद है। ठीक है, और ये मार्गला हिल्स की वजह से, रावल लेक की वजह से, शक्करपरियां स्पोर्ट एंड कल्चरल कॉम्प्लेक्स की वजह से फेमस है। हज़ारगंजी चिल्तान नेशनल पार्क ये क्वेटा में है और ये मिडस ऑफ द सुलेमान रेंज में प्रेजेंट है और ये अपने डेजर्ट्स और यूनिक वाइल्ड लाइफ की वजह से फेमस है। हंगोल नेशनल पार्क, हंगोल नेशनल पार्क मकरान रीजन ग्वादर डिस्ट्रिक्ट बलोचिस्तान में प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो है वो हंगोल लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ द पाकिस्तान है। दियोसाई नेशनल पार्क ये एस्टोर वैली में प्रेजेंट है, सेकंड हाईएस्ट प्लेट्यू है। पोठोहार जो मैदानी इलाके होते हैं, प्लेन एरियाज़ और पोठोहार इलाके जो होते हैं प्लेट्यूज़, और अपने पार्क की वजह से और जो ब्राउन बेयर्स हैं उनकी वजह से क्या है, फेमस है। खंजराब नेशनल पार्क ये मार्कोपोलो शीप की वजह से, स्नो लिपर्ड की वजह से और भराल की वजह से ये क्या है, फेमस है। और ये प्रेजेंट है खंजराब पार्क, आपको पता है खंजराब पास यहाँ पे प्रेजेंट है, जब आप जाते हैं चाइना बॉर्डर पे वहाँ पे ये प्रेजेंट है। ड्यूलेसर ड्यूदी पत्सर नेशनल पार्क ये फ्लरिशिंग ब्लॉसम फ्लावर्स की वजह से, श्रब्स की वजह से, और जो वहाँ पे फौना है जितने भी फ्लावर्स हैं प्लांट्स हैं वहाँ उसकी वजह से ये फेमस है और ये कगान वैली में प्रेजेंट है। मार्शियारा नेशनल पार्क इट्स अ गेम रिज़र्व नीलम वैली में, ये प्रेजेंट है आज़ाद कश्मीर में। गेम रिज़र्व मतलब इसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हमारे यूज़फुल हैं। लाल सोहनरा नेशनल पार्क ये भावलपुर में प्रेजेंट है एंड इट्स नोन फॉर इट्स डिफरेंट लैंडस्केप और लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ द साउथ एशिया। झील सैफुल मलूक जो है, सॉरी सैफुल मलूक नेशनल पार्क है, आपको पता ही अल्पाइन वैली में प्रेजेंट है और ये सबसे ज़्यादा ये जो अपनी इसकी वो है लेक है झील सैफुल मलूक, उसकी वजह से ये फेमस है। तुली पीर जो है हिल टॉप पे प्रेजेंट है आज़ाद कश्मीर में, ये प्रेजेंट है और डिफरेंट सीन्स हैं यहाँ पे, डिफरेंट रेस्ट हाउसेज हैं, माउंटेन रिजिज हैं, उनकी वजह से ये फेमस है। किरथार नेशनल पार्क सिंध में प्रेजेंट है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ की वजह से ये फेमस है, वाइल्ड लाइफ में कौन से आ जाते हैं, हाइनाज आ जाते हैं इसमें, डिफरेंट इसमें जो है वो चिनकारा गेजल्स हैं, ब्लैक बक एंटीपोल्स हैं, एंटीलॉप्स हैं, उनकी वजह से क्या है, फेमस है। पंजल मस्तान नेशनल पार्क इट इज़ सिचुएटेड एट बाग वैली ऑफ आज़ाद कश्मीर। पंजल मस्तान इज़ नोटेबल फॉर इट्स स्वीप्स ऑफ फ्लावर एंड रिच वाइल्ड लाइफ। चित्राल गोल नेशनल पार्क है, लोकेटेड राइट बिसाइड चित्राल रिवर, द पार्क कंप्राइज ऑफ थ्री वैलीज, ग्लेशियर स्प्रिंग्स और सिदार ट्रीज की वजह से ये फेमस है। बेटा सिदार दियोदर सिदार हमारा नेशनल जो है ना वो ट्री है, DEODAR दियोदर, SCEDAR सिदार, दियोदर सिदार हमारा नेशनल जो है वो ट्री है जो यहाँ पे चित्राल गोल नेशनल पार्क में प्रेजेंट है। इसके अलावा ये पर्टिकुलर मार्खोर की वजह से प्रेजेंट है और मार्खोर भी हमारा क्या है, नेशनल
एनिमल। रन ऑफ कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हार्बरिंग नेचर रिच इको सिस्टम, इट इज़ वन ऑफ द फाइव फेमस इको रेंजेस ऑफ द पाकिस्तान। फ्लेमिंगोज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, और रैन ऑफ कच्छ जो हैं वो एस एस बोलते हैं, जो गधों की एक स्पीशी है, इट्स अ स्पीशी ऑफ डंकीज। हब डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज़ थर्ड लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान, सराउंडेड बाई स्टोनी हिल्स, बेज एंड टाइनी आईलैंड्स। ठीक है, ये कल का लेक्चर था, और जो है अब हम अपना जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने आपको बता दिया कि आपने इसको याद करना है, याद क्या करना है, इनके नाम कहाँ पे सिचुएटेड हैं और किस वजह से फेमस है। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज से, कि कौन कौन से स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्ट या इंडेंजर्ड हो चुकी हैं। ठीक है, सम एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड स्पीशीज किसे कहते हैं, हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ स्पीशी ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट इज सीरियसली एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, जो एक्सटिंक्शन के रिस्क पे उसे हम क्या बोलते हैं, इंडेंजर्ड। ओके, या फिर इसकी डेफिनेशन हो सकती है, अ प्लांट एंड एनिमल स्पीशी एग्जिस्टिंग इन स्मॉल नंबर दैट इज डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट इज कॉल्ड इंडेंजर्ड। मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि अगर हमारे पास बिल्कुल हम काउंट कर सकें लेकिन वो रेंज में थोड़े ज़्यादा हों, जैसे 500, 700, 800, 1000 के करीब, तो हम उन्हें इंडेंजर्ड कहते हैं। ये क्या है, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। एनिमल प्लांट स्पीशी एग्जिस्टिंग इन स्मॉल नंबर, मतलब इतने स्मॉल नंबर में है कि हमें पता चल रहा है कि अभी एक्सटिंक्शन के करीब पहुंचने वाले हैं, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, इंडिया, मतलब गिनती के रह जाएं, हम उन्हें काउंट कर सकें, तो वो क्या होते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ जाते हैं। एग्जाम्पल है इसकी, जो आजकल इंडेंजर्ड स्पीशीज चल रही है, एमर लियोपर्ड, बैक्टीरियन कैमल, माउंटेन गोरिल्ला, रेफलेसिया, ब्लैक बैट, फ्लावर। एक्सटिंक्ट स्पीशीज डेफिनेशन, एक्सटिंक्शन पहले हमने इंडेंजर की पढ़ी, अब हम एक्सटिंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। एक्सटिंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल प्लांट और स्पीशीज अकर व्हेन देयर आर नो मोर इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज अलाइव एनीवेयर इन द वर्ल्ड। उस स्पीशी को हम एक्सटिंक्ट कह देते हैं जो वर्ल्ड में हमें कहीं भी ना मिले। एग्जाम्पल, वेस्टर्न अफ्रीकन ब्लैक राइनोसॉर्स, पैसेंजर पिजन्स, पेरेनियन आइबेक्स। Causes of endangering and extinction of the species, के species endangered क्यों हो रही हैं या species की extinction क्यों हो रही है। सबसे पहले है ओवर हंटिंग। ऑब्वियसली जब आप किसी भी चीज़ को ओवर हंट कर रहे हैं और वो जितनी तेज़ी से आप उसे हंट कर रहे हैं उतनी तेज़ी से उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। देर आर मैनी हिस्टोरिक अकाउंट अबाउट हाउ ह्यूमन हैव ओवर हंटिंग हंटेड द एंड ओवर हार्वेस्टेड स्पीशीज लीडिंग टू देयर इंडेंजर एंड एक्सटिंक्शन। प्लांट स्पीशीज कैन ऑल्सो बी ओवर हार्वेस्टेड लीडिंग टू देयर इंडेंजरमेंट। जो है एनिमल स्पीशीज़ वो कैसे ख़त्म होंगी, आप अगर उन्हें ओवर हंट करेंगे, और जो इंडेंजर स्पीशीज हैं वो कैसे ख़त्म होंगी, सॉरी जो प्लांट की स्पीशीज़ हैं अगर आप उन्हें ओवर हार्वेस्ट करेंगे, और एनिमल अगर आप उसे ओवर हंट करेंगे। गोल्डसियन प्लांट इज़ वेरी पॉपुलर मेडिसिनल प्लांट इन USA दैट हैज़ नाउ बिकम थ्रेटन ड्यू टू ओवर हार्वेस्टेड। मतलब ये जो गोल्डन स्नेल प्लांट है, ठीक है, हाइड्रास्टिस कैंडेनस कैंडेंसिस, इट्स अ मेडिसिनल प्लांट। ठीक है, तो लोग उसे बहुत यूज़ कर रहे हैं मेडिसिन में, मतलब उसकी प्रोडक्शन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे कि ठीक है अगर वो यूज़फुल है तो आप उसे प्रोड्यूस करें ज़्यादा, लेकिन उसकी प्रोडक्शन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि उसकी हार्वेस्टिंग की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो डिक्लाइन की तरफ आ रहा है, इट्स बिकमिंग नाउ इंडेंजर्ड। और ज़ाहिर बात अगर आप उसे प्रोड्यूस नहीं करेंगे ज़्यादा तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। हैबिटेट लॉस, सड़कें बनती हैं, लोग काट के घर बना लेते हैं, ठीक है, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से जो हैबिटेट है किसी भी एनिमल का या प्लांट का वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्शन या इंडेंजर्ड होने की तरफ चले जाते हैं। मैनी स्पीशीज इन द वर्ल्ड टूडे आर बिकमिंग इंडेंजर्ड ड्यू टू लॉस ऑफ देयर प्राइमरी हैबिटेट। फॉर स्पीशीज दैट आर नॉट एबल टू अडॉप्ट वेल टू चेंजिंग कंडीशंस, हैबिटेट लॉस इज पर्टिकुलरली चैलेंजिंग टू देयर सर्वाइवल। आपने किसी स्पीशी का हैबिटेट ख़त्म कर दिया, ठीक है, वो दूसरी जगह पर जाएंगे, सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 100% श्योरिटी तो नहीं ना कि वो सर्वाइव कर लेंगे। और जो सर्वाइव करते हैं वो तो ठीक है, गो ऑन, और जो नहीं सर्वाइव कर सकते वो ख़त्म हो जाते हैं। हाईली स्पेशलाइज स्पीशीज इन जनरल, हाईली स्पेशलाइज स्पीशीज दैट हैव वेरी वेरी स्पेसिफिक हैबिटेट रिक्वायरमेंट डू नॉट फेयर वेल देन फेस्ड विद चेंजिंग क्लाइमेट और लॉस्ट इन हैबिटेट। जो चेंजिंग क्लाइमेट है, जो क्लाइमेट चेंज करा है, इसकी वजह से भी हैबिटेट क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं, जो हाईली स्पेशलाइज स्पीशीज होती हैं।
वाइल सम स्पीशीज जनरली हाईली स्पेशलाइज स्पीशीज़ ठीक है सच इज़ नॉर्वे रैट, ठीक है हम बात करते हैं कि जो स्पेशलाइज स्पीशीज़ होती है उसमें नॉर्वे रैट्स आ जाते हैं, रैटस नॉर्वेजिकस। सम स्पीशीज़ आर सो स्पेशलाइज दैट चेंज इन द एनवायरनमेंट में थ्रेटन देयर सर्वाइवल। ऐसे स्पीशीज़ भी जो है वो इंडेंजर या एक्सटिंक्ट हो जाती हैं कि जिनका ज़रा सा भी उनके इतनी स्पेशल होती हैं, वो इतनी सेंसिटिव होती हैं कि उनके हैबिटेट में ज़रा सा भी चेंज आता है तो वो जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो ऑब्वियसली जब वो ज़रा सा चेंज स्लाइटली चेंज की क्या बात है, आजकल तो इन्वायरमेंट में हमारे सराउंडिंग्स में बहुत मेगा चेंजेस आ रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर ऐसी स्पीशीज जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। पोल्यूशन, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे प्लांट्स की बहुत सारे एनिमल्स की डेथ हो रही है। पोल्यूशन कैन हार्म द स्पीशीज समटाइम्स इवन किल दैम व्हेन इनफ मेंबर ऑफ स्पीशीज आर नेगेटिवली इम्पैक्टेड बाय पोल्यूशन दैट स्पीशी मे बिकम थ्रेटन्ड। फॉर एग्जाम्पल पेरीग्रेन फैल्कन, फैल्कन बेटा बोलते हैं उकाब को, almost become extinct in Canada when DTTA was widely used prior to becoming banned in USA and Canada in 1971. ये DTTA वहाँ पे बैन है, DTTA जो है ना ये मच्छर मार और मक्खी मार के लिए पाउडर यूज़ होता है उसे, वो DTTA तो वो USA और वहाँ पे बैन कर दे गया। क्यों बैन कर दे गया, क्योंकि इसकी वजह से, क्योंकि ये हम स्प्रे करते हैं और स्प्रे करने की वजह से ये हवा में चले जाता है और इसकी वजह से बहुत सारे फैल्कन्स की डेथ हो रही थी तो उन्होंने उसको कनाडा में बैन कर दिया। लेकिन आपकी इतला के लिए मैं बता दूं कि वहाँ बैन हो गया और ये पाकिस्तान में, अगर अब ये पाकिस्तान में यूज़ हो रहा है। न्यू स्पीशीज़ इंट्रोडक्शन एंड कंपटीशन, व्हेन एग्जॉटिक स्पीशीज़ कैन इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ न्यू एनवायरनमेंट दे आर ऑफन एबल टू थ्राइव बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी प्रेडेटर्स देयर। अगर आप किसी एग्जॉटिक स्पीशी को लेके आते हैं, ठीक है बाहर से किसी स्पीशी को लेके आ रहे हैं अपने कंट्री में, अब उसे लगा रहे हैं, आपने स्पीशी को तो लेके आ गए हैं लेकिन आप उसके प्रीडेटर को तो नहीं लेके आए ना, ठीक है बेशक वैनिंग एनिमल की स्पीशी या प्लांट की स्पीशी, आप उसके प्रीडेटर को नहीं लेके आए तो वो तो फिर ज़्यादा फ्लरिश कर जाएगी, या तो वो बिल्कुल फ्लरिश नहीं करेगी ख़त्म हो जाएगी या फिर वो फ्लरिश कर जाएगी। और वह जब वो आके हमारे मुल्क में लग जाएगी तो उसका कंपटीशन हमारे कंट्री के प्लांट्स के साथ, हमारे कंट्री के एनिमल्स के साथ हो जाएगा। तो हमारे कंट्रीज के प्लांट्स और एनिमल्स का तो प्रीडेटर मौजूद है, वो तो उन्हें शिकार करके ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इनका तो कोई प्रीडेटर नहीं है जिसकी वजह से ये राइज करते जाएंगे और अल्टीमेटली किसी ना किसी हमारे एरिया की स्पीशी को एक्सटिंक्शन या फिर इंडेंजरमेंट की तरफ ले जाएंगे। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, जो हम वाइल्ड लाइफ के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, ठीक है हम डिस्टर्ब करते हैं वाइल्ड लाइफ को। एज़ ह्यूमन इंक्रीज इन पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड एंड द मूव इन टू एरियाज वेयर वाइल्ड लाइफ लिव, हम क्या करते हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ रहती है, जहाँ पे जंगलात हैं फॉरेस्ट हैं, उन्हें क्लीन करके क्या करना शुरू कर दिया हमने, इंडस्ट्रीज लगाना शुरू कर दिए या हमने वहाँ पे घर बनाने शुरू कर दिए। तो ऑब्वियसली जब हम ऐसा करते हैं तो हम उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके हैबिटेट लॉस करते हैं, उनके एनिमल्स को ख़त्म करते हैं, प्लांट्स को ख़त्म करते हैं, तो हम उन्हें क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं वाइल्ड लाइफ को। देयर इज़ एन इंक्रीज इन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ आर ऑफन किल्ड वेयर प्रीडेटर किल लाइफ स्टॉक और ईट क्रॉप्स, ईट क्रॉप्स को खाने के लिए या हमको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने लाइफ स्टॉक को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम अल्टीमेटली बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को किल कर देते हैं। फॉर वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन दैट हैव ऑलरेडी बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू लॉस ऑफ हैबिटेट एंड अदर इश्यूज सच कॉन्फ्लिक्ट कैन इंक्रीज द चांसेस दैट अ स्पीशी विल बिकम एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड, जहाँ पर बाकी सारी चीज़ें हैं वहाँ पर एक ये भी ऐड होके तो ज़्यादा खतरनाक हो जाती है एक्सटिंक्शन के लिए। डिजीज़ डिफरेंट डिजीज़ हैं, इन यूएसए नेटिव अमेरिकन चेस्टनट ट्री was virtually wiped out due to chestnut blight fungus that was introduced US in 1904. कि diseases ऐसी आती हैं कि जो क्या कर देती हैं extinction। ये तो उन्होंने chestnut की example दी अमेरिका के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो टाली है, पहले मुझे पता है आई डू रिमेंबर कि बहुत ज़्यादा टालियों हर घर में तकरीबन टाली ज़रूर होती थी, अब तो घरों में वो रहा ही नहीं, लोगों ने स्वाइप आउट कर दिया बिल्कुल ही प्लांट्स को, छोटा सा गार्डन होता है अगर किसी के घर हो तो लॉन सा, वरना पहले तो हर घर में पौधे थे, ये सचुआन का पौधा होता था, ये टाली होती थी, जामन आम इस तरह के पौधे होते थे और टाली तो अमूमन देखने को मिलती थी। अगर अब आप नोट करें तो इतनी ज़्यादा टाली नहीं है, क्योंकि उसको भी ना डैम्पिंग ऑफ की डिजीज़ आ गई थी, इट्स अ फंगल डिजीज़ डैम्पिंग ऑफ, फाइटोफथोरा इन्फेस्टा की वजह से ये डिजीज़ होती है, इट्स अ फंगस, तो उसकी वजह से भी टाली है वो जो किसकी तरफ चल गई है, इंडेंजर्ड हो गई है टाली। लो बर्थ रेट,
लो बर्थ रेट होता है, बहुत सारे जो हैं एनिमल, जिस तरह एलिफेंट है तो एलिफेंट का जो गेस्टेशन पीरियड है वो 22 मंथ्स होता है, मतलब 2-2.5 सालों के बाद वो डिलीवर करता है एक बेबी को, ठीक है। तो एक हाथी है वो 2-2.5 साल, मतलब 10 सालों में वो शायद जो है वो 2 से 3 जो है वो हाथी जो है वो डिलीवर कर रहा है एक जो मदर एलिफेंट है। तो ऑब्वियसली अगर उसको आप एक्सटिंक्ट करते हैं या उनको एलिफेंट्स को उनके टस्क के लिए, जो उनके आइवरी होती है ना, उनके दांत होते हैं, उनके लिए मारा जाता है, और अगर आप उन्हें उन टस्क के लिए मार देंगे या किल कर देते हैं तो ऑब्वियसली वो तो पहले ही उनकी बर्थ रेट और उनकी गेस्टेशन पीरियड इतना लॉन्ग है कि बर्थ रेट कम है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, एक्सटिंक्शन या फिर इंडेंजर्ड हो जाती है स्पीशीज़। सम स्पीशीज डू नॉट प्रोड्यूस वेरी ऑफन एंड दे मे हैव फ्यू ऑफ स्प्रिंग्स ईच टाइम एंड दे ब्रीड, जैसे मैंने आपको एलिफेंट की एग्जाम्पल दी है। अदर स्पीशी में टेक अ नंबर ऑफ ईयर्स टू बिकम सेक्चुअली मेच्योर, थस रिड्यूसिंग देयर अपॉर्चुनिटी टू ब्रीड ओवर देयर लाइफ टाइम, और कुछ जो हैं वो सेक्चुअली मेच्योर ही बहुत देर से होते हैं कि वो उनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है, तो उनका जो प्रोडक्शन रेट है वो भी क्या होता है, बहुत कम होता है। हाई जेनेटिक वल्नरेबिलिटी, सम स्पीशीज सच एज चीता मेंटेन द लो जेनेटिक डाइवर्सिटी विच मेक दम लेस एबल टू अडॉप्ट वन फेस्ड विद चैलेंजेस सच एज ओवर हंटिंग एंड हैबिटेट, कि कुछ जो एनिमल्स हैं वो तो अपने जेनेटिक चेंजेस ले आते हैं जल्दी से, लेकिन कुछ नहीं लेके आते, उनकी इतनी डाइवर्सिटी नहीं होती, जिसकी जितनी कम डाइवर्सिटी होगी उतने उसके चांसेस सर्वाइवल के कम होंगे। अ पर्टिकुलर स्पीशीज़ रेयर टू बिगिन विद, सम स्पीशीज़ आर फाउंड ओनली इन पर्टिकुलर एरियाज़, इफ़ देर आर ओनली लिमिट नंबर ऑफ स्पीशीज देयर स्टिक्स टू बिगिन विद एनवायरमेंट चेंजेस देर इज़ अ लोअर प्रोबेबिलिटी दैट सच स्पीशीज विल सर्वाइव इन फ्यूचर, अगर एक स्पीशी एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर मौजूद है तो ऑब्वियसली जैसे ही उस एरिया के ऊपर कोई ना कोई हज़र्ड आएगा तो वो स्पीशी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। अगर स्पीशी पूरे ग्लोब में या पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं और भी प्रेजेंट है तो हम उसको फिर भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फिर भी उसके नंबर को बचा सकते हैं, लेकिन एक ही जगह पे है तो ऑब्वियसली उस एक ही जगह पे कोई भी मुसीबत आएगी तो वो स्पीशी ऑटोमेटिकली ईजीली क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। आज हम यही पढ़ेंगे, कल इंशाल्लाह हम स्पीशीज़ पढ़ेंगे जो एक्सटिंक्ट हुई हैं, ठीक है। थैंक यू।